टॉप यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। भारतीय फौज के सरबराह ने लद्दाख के दौरे के मौके पर कहा है कि चीन मतनाज़ सरहद पर काफी तादाद में अपनी फौज भेज रहा है और इस तशवीशनाक पेशरफ्त के जवाब में नई दिल्ली भी इसी तरह की तैनाती करने के लिए तैयार है। तो मजीद तफसीलात से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं न्यूज की जानब। जौहरी हथियारों से लैस खित्ते के इन दो बड़े ममालिक के दरमियान गुज़श्ता साल जून में लद्दाख के करीब स्ट्रेटजिक लिहाज से अहम खित्ते वादी गलवान में दहाइयों बाद हलाकत खेज झड़प के बाद कशीदगी बढ़ गई है। दुनिया की दो सबसे ज्यादा आबादी वाले इन ममालक ने सरहदी झड़पों के बाद हमालिया के इस बुलंद इलाके में हजारों अजाफी फौजी तैनात किए हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मकांड नरवाने ने स्नेचर को लद्दाख के दौरे के मौके पर वहाँ मौजूद सहाफियों को बताया कि 3500 किलोमीटर सरहद पर चीनी फौजियों की मौजूदगी काफी हद तक बढ़ गई है और ये हमारे लिए एक काबिले तश्वीश सूरत हाल है। जनरल नरवाने ने कहा कि भारतीय फौज जवाब में सरहद पर अपनी फौज की तादाद में भी इजाफा कर रही है। मजीद न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।